अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर। सागर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलेज की ही एक छात्रा आत्महत्या के इरादे से बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई। उसे देख बड़ी संख्या में छात्राएं और शिक्षक जमा हो गए। वहीं एक छात्रा ने तत्काल पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। खुद एसपी तरुण नायक भी पहुंचे और उन्होंने छात्रा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। बताया जा रहा है कि उसका पर्स समेत मोबाइल चोरी हो गया था। जब उसने इस बात की शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस वजह से उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि छात्रा को बचाने के लिए एसडीआरएफ समेत अन्य बचाव दल भी पहुंचे थे। नीचे एक बड़ी तिरपाल को छात्राएं समेत पुलिस पकड़े हुए थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक इसी तरह तमाशा चलता रहा। कड़ी धूप के बीच छात्रा छत की सिंगल दीवार पर खड़ी हुई थी, जो लगातार नीचे कूदने की धमकी दे रही थी। हालांकि आखिरकार पुलिस की सूझबूझ से छात्रा को पकड़कर खींच लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि वो फर्स्ट ईयर एमए की सेकंड सेम की छात्रा है। उसका स्वभाव पेपर था, जिसे देने के लिए वो आई हुई थी। उसने कॉलेज के रिसेप्शन पर अपना मोबाइल और अन्य डॉक्यूमेंट मैडम को दिए थे। बाकायदा टोकन भी लिया था। मैडम ने एंट्री की, लेकिन मोबाइल चोरी हो गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी है। शिकायत करने पर कार्रवाई की जगह उसका मजाक उड़ाया गया, जिससे वो आहत थी। मैंने अपना मोबाइल इधर रिसेप्शन में रखा था, पर्स मेरा उधर रखा था, मोबाइल भी था, उसमें सब सामान था, डॉक्यूमेंट्स थे। मैम को दिया, उनने बाकायदा एंट्री की, टोकन दिया, सब कुछ की। मैं पेपर देने गई, पेपर दे के 11:30 बजे वापस आई। पेपर देने दे के 12:30 बजे 11:30 बजे आई यार। सुनाई नहीं देता, हम लोग हमारे क्लास में क्या बात कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि मेरा पर्स और मोबाइल दोनों ही एक लड़की लेके चले गए। सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज है, सब कुछ है, देख ही लिया, सब कुछ है, प्रूफ भी है, लेकिन सर लोग मेरी मजाक उड़ा रहे। एक्शन लेने से इनकार। जब अगला नेक्स्ट पेपर आएगा, तीसरा वाला, तब एक्शन लेंगे। तब तक मैं क्या करूँ सर? मेरे पास 1 रुपये नहीं घर जाने के लिए। मैम एक वो है ना, उनने दिए मुझे पैसे सर को। सर कौन कौन, क्या नाम है? पता नहीं मैम का नाम नहीं पता। प्राचार्य मैम, जो भी हो मुझे पता नहीं किसी का। तो मतलब क्या क्या है? पेपर था आपका जी, कहाँ है? एम ए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर था, वही देने आई थी। 8:30 बजे पेपर के लिए गई और पर्स सबमिट किया, सब कुछ किया, लेकिन वापस आई 11:30 बजे। तो सबके मिल गए, लेकिन मेरा ही नहीं मिला। जब मैंने शिकायत की तब भी कोई नहीं सुन रहा, हंस रहा है। एक्शन नहीं ले रहा कोई, हंस रहा है। हंसी में मजाक में क्या बात डालना सर? कोई प्रॉब्लम है उसकी, हंसी मजाक उड़ानी चाहिए क्या? कोई भूखा प्यासा सुबह से यहाँ हुआ है, उसको एक गिलास किसी ने पानी भी नहीं पूछा, और अब उसकी मजाक भी उड़ाई जा रही है। 1.5-2 घंटे से मैं रो रही हूँ। किसने मजाक उड़ाई है? सर स्टाफ था, कोई ऐसा नहीं था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मामले में एसपी तरुण नायक ने बताया कि छात्रा की जो भी बात थी वो सुनी गई है। पूछताछ के बाद समस्या का निराकरण किया जाएगा, साथ ही जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। यहाँ पे सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज में बालिका बच्चा की ऊपर चढ़ी है और पब्लिक अफेयर कर रही है। उस पर तत्काल पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की सभी टीमें आ गई। नियोजन यहाँ पर उपस्थित हुए थे, कॉलेज प्रशासन यहाँ पे उपस्थित था यहाँ पे, और बालिका है उसकी जो भी बात है वो बात सुनी गई, और सूझबूझ से ये समस्त जो भी टीमें यहाँ पे लगी थी उन्होंने सूझबूझ से लड़की को नीचे उतार लिया, और उसकी जो जान जा सकती थी वो जान जाने से बच गई, और जो पूरी टीम इसमें लगी हुई थी नेगोशिएशन में उसको नीचे उतारने में और टोटल जितनी भी लगी गई थी, तो सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और एक बेसिकली जान बचा ली गई। जो बालिका की जो भी कुछ समस्या थी उसका हम लोगों ने नोट किया है, और उसको
इसका उचित निराकरण है वो निराकरण किया जाएगा और जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई है। किस कारण से क्षुब्ध थी जो ऐसा कदम उठाया? अभी तात्कालिक तो ये प्रतीत हो रहा था कि उसका मोबाइल गुम गया है, तो कॉलेज के संबंध में कुछ उसकी बातें थी कॉलेज के संबंध में, तो वो उसने बताई है। जो मोबाइल घुमा है उसको हम लोग दूर निकालेंगे और जो बाकी समस्या है बाकी समस्याओं का भी निराकरण कर लेंगे। लेकिन ये सबसे अपील करूँगा और जो कॉलेज में बाकी भी छात्र हैं और बाकी सभी लोगों से कि किसी भी तरह से ये अपनी बात या कोई समस्या है इस प्रकार से ये बिल्कुल भी उचित तरीका नहीं है इस प्रकार से अपनी बात कहने का। यदि कोई समस्या है तो वो आए संबंधित अधिकारियों के पास, आए पुलिस के पास, आए प्रशासन के पास, आए जो भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा, उसे किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। आपके घर में आपके परिवारजन हैं, माता पिता हैं, भाई बहन होते हैं, तो किसी भी रूप में ऐसा कदम नहीं उठाएं, ये बिल्कुल भी गलत है इस प्रकार का कदम उठाना। और कोई भी आपको समस्या है तो आप आके बताएं संबंधित अधिकारियों को, आपकी सभी समस्या का निराकरण किया जाएगा। अब इनसे अभी पूछताछ की जाएगी बाकी डिटेल में। और वहीं डिग्री कॉलेज की प्राचार्य इरा तिवारी ने कहा कि छात्रा को आश्वस्त किया था, फिर भी समझ से परे है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके आरोपों को गलत बताया। बच्ची का मोबाइल हो गया था, वो मेरे पास आई भी थी, सीसीटीवी में हम लोगों ने वो वाला वीडियो फुटेज निकाल भी लिया था और उसको शो भी कर दिया था, मतलब उसने देख लिया था। हम लोगों ने कहा था कि हम इसके मतलब यदि कुछ गलत हुआ है तो हमने उसके बिल्कुल नहीं किया। उसकी शिकायत को एकदम सीरियसली लिया हम लोगों ने, वीडियो फुटेज देखा हम लोगों ने, मतलब वो उसका वो निकाला कि किसने मतलब क्या क्या घटना क्या हुई है, घटनाक्रम क्या हुआ है, और पूरा उसको आश्वासित किया कि आपका मैटर हम सॉल्व कर देंगे। जब आपने मैटर सॉल्व और सेटिस्फाई कर दिया उसके बाद इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बहुत आश्चर्य है कि उसने ऐसा कदम उसके बाद उठाया। परेशान हो रही है, मैं खुद थी यहाँ पर, मैंने खुद वीडियो वाले को मतलब अपने ऑपरेटर को बुलाया और उसको दिखाया। किस क्लास की छात्रा है ये? वो एमए की। कहाँ की है? सुमरेड़ी से आती है। किस कक्षा की एमए की? मैम छात्रा ऊपर तक पहुंच गई, छत तक, क्या कोई ऐसे इंतजाम नहीं है वहाँ पे कि गेट वगैरह बंद हो कुछ आगे इस तरह की कोई ऐसी घटना? एक्चुअली क्या फर्नीचर वहाँ से थोड़ा वो हमारे कर्मचारियों से लापरवाही हुई कि ताला नहीं लगाया, कल फर्नीचर शिफ्ट हुआ है हमारा और उसके बाद ताला नहीं लगा। वैसे हमेशा हम वहाँ पर, मतलब वो जो कह रही है कि टीचर अच्छे से बात नहीं करते हैं, ये भी गलत बात है। हम लोग अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार, सागर।